अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि मुस्लिम वर्ग का एक तबका ये चाहता है कि जब पीएम मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या आए तो वो उनकी मस्जिद की भी नींव रखें। लेकिन जब इस तबके के बयानों की खबर सुन्नी वक्फ बोर्ड को हुई तो उसके होश फाख्ता हो गए। वो तुरंत सामने आया और उसने उन मुस्लिम लोगों की बात को झुठला दिया जो पीएम मोदी को बुला रहे थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड इतना घबरा गया कि उसने सारा का सारा खेल ही पलट दिया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी मस्जिद के लिए भूमि पूजन या शिलान्यास समारोह की अवधारणा और उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा बोर्ड ने पुराने वास्तुशिल्प डिजाइनों की जगह नई भव्य मस्जिद की बात भी कही है। ये मस्जिद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बनेगी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी कि IICF के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा, बोर्ड की ऐसी कोई योजना नहीं है, ये रिपोर्ट निराधार है क्योंकि मस्जिद के लिए भूमि पूजन या शिलान्यास समारोह की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। याद दिला दें कि पहली बार नहीं है जब बोर्ड ने मस्जिद के अनुमानित शिलान्यास समारोह से संबंधित सवालों पर अपना रुख साफ किया है। 2020 में मस्जिद परिसर का खाका लॉन्च करते समय मस्जिद के शिलान्यास समारोह के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने की योजना को भी बोर्ड ने खारिज कर दिया था। बोर्ड ने यह भी कहा था कि वो मस्जिद के साथ बनने वाली सार्वजनिक उपयोग की अन्य संरचनाओं के लिए शिलान्यास या उद्घाटन समारोह आयोजित कर सकता है। इसके लिए भविष्य में किसी VVIP को आमंत्रित कर सकता है। मस्जिद के अलावा सुन्नी बोर्ड के एक भव्य सामुदायिक रसोई, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एक संग्रहालय बनाने की भी योजना है। बता दें कि 26 जनवरी 2021 को बोर्ड के सदस्यों ने परियोजना को प्रतीकात्मक शुरुआत देने के लिए साइट पर पौधे लगाकर और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर औपचारिक रूप से मस्जिद परिसर परियोजना का शुभारंभ किया था। इसके अलावा बोर्ड ने पुराने डिजाइन की जगह मस्जिद के नए डिजाइन का भी खुलासा किया। इस औपचारिक रूप से दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। नई मस्जिद लगभग 4500 वर्ग मीटर में बनेगी। बोर्ड के सदस्यों के मुताबिक मस्जिद का नया डिजाइन भले ही दूसरों से मिलता जुलता हो लेकिन आधुनिक समय की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक होगी। गुंबद की छत पर शहद के छत्ते के समान मुकर्डस यानी कि मेहराब भी होंगे। ये छत पर एक मोनोक्रोमेटिक स्पर्श जोड़ देगा। मस्जिद में कई मेहराबे होंगी जो संरचना को और अधिक सुंदर बनाएंगी। नए डिजाइन के मुताबिक मस्जिद के बाहरी हिस्से को अच्छी तरह से सजाया जाएगा। मस्जिद के मुख्य संरचना में विशाल खिड़कियां भी होंगी जो कांच और सागौन की लकड़ी से बनी होंगी जो पूरी संरचना को हवादार बनाएंगी। सजावटी लकड़ी के काम के साथ साथ दीवार के अंदरूनी और बाहरी हिस्से पर आंतरिक प्लास्टर का काम होगा जो संरचना को और अधिक सुंदर बना देगा। कुछ बाहरी हिस्सों में बगीचे, भव्यांगन, फव्वारे और पानी के जलाशय शामिल होंगे ताकि नमाजियों को मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले स्नान करने में मदद मिल सके। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।